आज बनाएंगे पोहे की एकदम नई और यूनिक रेसिपी, जिसको बनाने के लिए लगभग हमें 1.5 कटोरी पोहे की ज़रूरत है और इसको अभी हमें भिगा के रखना होगा। पोहे को लगभग आपको 5-1 मिनट के लिए 1.5 कटोरी में भिगा के रखना होगा। 1.5 ही कटोरी पानी लिया है और बस ये 5 मिनट के बाद हमें फटाफट से निचोड़ के पोहे ड्राई निकाल लेने हैं। तो दोस्तों, हमारे 5 मिनट लगभग हो चुके हैं और ये ड्राई पोहा हमने निकाल लिया है। अब इस पोहे में मिक्स करेंगे हम कुछ वेजेस, जिसमें सबसे पहले हम मिक्स करेंगे प्याज। प्याज के बाद दोस्तों हम इसमें डालेंगे और कुछ वेजेस, जिसमें सबसे पहले हमने डाली है थोड़ी सी मोटा ग्रेट करी हुई गाजर, ताकि वो हमारे मुँह में आए, एकदम पिघल ना जाए। थोड़ा सा धनिया और आलू को भी कद्दूकस करेंगे। और फटाफट से इस सारे मिश्रण में हमने कुछ और स्पेशल चीज़ें डाली हैं, क्योंकि ये जो पोहे की रेसिपी है बहुत ही यूनिक है और शायद ही आपने ट्राई करा हो इसको। थोड़ी सी हमने चॉप की हुई ग्रीन चिलीज डाल दी हैं। अब हम इसमें एक यूनिक चीज़ डाल रहे हैं, वो है पिसी हुई मूंगफली। मूंगफली हमने थोड़ी सी पिस ली थी मोटी। थोड़ा सा नमक, लाल मिर्ची, देगी मिर्च कलर के लिए, थोड़ा सा काली मिर्ची। और अब इसमें डालेंगे दोस्तों कॉर्नफ्लावर, ताकि अच्छे से बाइंड हो सके। और अब इसमें डालेंगे थोड़े से सफ़ेद तिल और इसका आटे की तरह एक डो बना लेंगे। ये जो हमने आज पोहे की रेसिपी बनाई है ये बहुत ही क्रिस्पी बनेगी, और जो मूंगफलियाँ इसमें हमने ऐड करी हैं और मोटी मोटी हल्की गाजर, वो इसका इतना यूनिक रेसिपी, इतना यूनिक स्वाद बना देगी कि आप बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाएगा आपको इसको खाते हुए। जो मूंगफलियाँ इसमें करारी करारी मुँह में जाएंगी दोस्तों, छोटे छोटे टुकड़े, उसका जो मज़ा आने वाला है ना, वो भी आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। आपने इसका बढ़िया से गोल गोल करके डो बना लिया है लगभग, और जल्दी से आपको इस डो को हम सेट होने के लिए छोड़ देना होगा। तो चलिए दोस्तों, हमारा डो ये लगभग तैयार हो गया है। अब इसको 2-4 मिनट सेट होने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद दोस्तों हम इसमें से छोटी छोटी बॉल्स तैयार करेंगे, गुलाब जामुन साइज़ की। ये गोल गोल आपने बढ़िया से जितनी भी इसमें से बॉल्स निकल जाए उतनी तैयार कर लीजिए, या जितनी आपकी रेसिपी के लिए आपको ज़रूरत हो। तो एक एक करके आपकी ढेर सारी छोटी छोटी बॉल्स तैयार हो जाएंगी। ये जो पोहे का नाश्ता है दोस्तों, ये एकदम ही यूनिक है, क्योंकि आपको एंड में पता चलेगा कि ऐसे तो कभी हमने पोहे के साथ किया ही नहीं था। तो हमारी ढेर सारी बॉल्स तैयार हो गई हैं और अब हम इन बॉल्स को तलेंगे। बॉल्स को मैंने 5-1 मिनट रेफ्रिजरेट भी कर लिया था, ताकि थोड़ी सेट हो जाए और तलते वक्त खुल ना जाए। तो हमने ऑयल लिया है और ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। फटाफट से अब मैं इसको अंदर डाल दूँगा। जो मूंगफलियाँ दोस्तों क्रिस्पी क्रिस्पी तली तली इसमें मुँह में आएंगी ना, वो मज़ा आ जाएगा। ये दोस्तों आज जो हम पोहे का मंचूरियन बना रहे हैं, ये बहुत ही यूनिक स्टाइल है, और ये ड्राई और ग्रेवी दोनों तरीके से आपको पता चल जाएगा अभी वीडियो में आगे, और बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है। और अभी आपको लगेगा कि यार इतनी आसानी से भी क्या घर में मंचूरियन बन के तैयार हो सकते थे। जी हाँ दोस्तों, आज ये होके रहेगा। तो चलिए, ये अच्छे से आपके फ्राई हो गए हैं, तो हम इन्हें बाहर निकाल लेते हैं। एक प्लेट पे मैंने पहले से ही टिश्यू पेपर रखा हुआ था, ताकि ये ऑयल ज़्यादा हमारे शरीर में ना जाए। मैं थोड़ा सा कम ऑयल प्रेफर करता हूँ, इसलिए मैंने पहले से ही एक टिश्यू पेपर एक प्लेट में रखा है। तो चलिए दोस्तों, इसको फटाफट से निकाल देते हैं और कुछ और मंचूरियन हम डाल देते हैं, उन्हें भी फटाफट से फ्राई कर लेते हैं और फटाफट वो भी सारे के सारे उसी प्लेट में निकाल लेते हैं। कुछ मंचूरियंस और भी थे मेरे पास, जो मैं बाद में फ्राई कर लूँगा। तो चलिए दोस्तों, ये भी हमारे लगभग फ्राई हो चुके हैं, तो इन्हें भी अब हम झटपट से प्लेट में निकाल लेते हैं। अब दोस्तों, आपको फटाफट से सारे मंचूरियन फ्राई करने के बाद इसका तड़का तैयार करना है, मंचूरियन का तड़का, चाइनीज़ तड़का। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए, आपके सारे मंचूरियंस तो तैयार हो चुके हैं। तड़का लगाने के लिए उसी कढ़ाई में हम ऑयल को थोड़ा कम कर लेते हैं, और ये बाकी मंचूरियंस हमारे तल गए। तो उसी कढ़ाई में हमने थोड़ा ऑयल कम करा है, और उसके बाद हमने दोस्तों इसमें डाला है थोड़ा सा गार्लिक, क्योंकि चाइनीज़ चीज़ों में गार्लिक और जिंजर दबा के पड़ता है। तो चॉप किया हुआ जिंजर और गार्लिक दोनों अच्छे से हमने डाले हैं। साथ ही में अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी ग्रीन चिलीज़, हल्का सा सॉटे होने देंगे। ये जब कच्चा कच्चा चाइनीज़ चीज़ों में डालता है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है। अब हमने लंबे लंबे प्याज काट के रखे थे, और थोड़ी सी अब इसके बाद इसमें डाल देंगे लंबी लंबी कैप्सिकम। बहुत ही ऑथेंटिक, एकदम रियल मंचूरियन फ्लेवर आने वाला है घर में, एकदम चाइनीज़, क्योंकि जो इसमें हम आगे की चीज़ें इस्तेमाल करने वाले हैं वो भी एकदम चाइनीज़, बढ़िया रेसिपी के लिए मज़ा दिला देंगे। तो चलिए दोस्तों, इसको हल्का सा पकने देते हैं, ज़्यादा नहीं पकने देना। वहीं एक कटोरी में थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर ले लेते हैं इसकी ग्रेवी के लिए। कॉर्नफ्लावर के साथ ले लेते हैं थोड़ा सा दोस्तों काली मिर्च, ज़्यादा मसाले नहीं होते इसमें, थोड़ा सा इटालियन सीजनिंग, दूसरे तरीके के चाइनीज़ तरीके के मसाले होते हैं, थोड़ी सोया सॉस ब्लैक कलर की, थोड़ी सी टमाटो कैचअप,
हल्का खट्टा मीठा फ्लेवर के लिए, और साथ ही में थोड़ी सी चिल्ली केचप, ये ना हो तो आप लाल मिर्ची भी डाल सकते हैं, ये केचप बहुत अच्छा फ्लेवर देगी। लेकिन इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, ये देखिए फ्रेंड्स, और अभी बस यही अच्छे से मिक्स होने के बाद इसमें हल्का सा पानी डाल लेते हैं ताकि इसमें लम्स ना बने, और मिक्स कर लीजिए। अब अगर दोस्तों आपको ग्रेवी नहीं चाहिए तो मंचूरियन के तड़के में सिर्फ ही डाल देंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो अभी हमने क्या करना है, अभी हमने इसमें थोड़े से चीज़ें और डाली हैं, जैसे कि टमाटर और हल्के स्पाइसेस। तो चलिए सबसे पहले डालते हैं टमाटर, वो भी लंबे लंबे चॉप किए रखे हैं, और स्पाइसेस में अब हम इसमें डालेंगे। सबसे पहले हमने दोस्तों इसमें डालना है नमक और इसको पकाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वेट कर लेते हैं थोड़ा सा घूम जाए, और उसके बाद थोड़ा सा नमक डाल दिया। अब हल्का सा इसे पकाएंगे 2 से 3 मिनट, ज़्यादा नहीं, वो भी आम आंच पे, और हो गए हमारे 2-3 मिनट। अब दोस्तों हम इसमें बाकी सारे स्पाइसेस को ऐड कर लेते हैं। मैंने बताया है इसमें पंजाबी मसाले टाइप फ्लेवर नहीं आता, चाइनीज़ टाइप फ्लेवर आता है, तो इसमें हम थोड़े मसाले डालेंगे, जैसे लाल मिर्च, देगी मिर्च कलर के लिए, थोड़ा सा डालेंगे चाट मसाला, अमचूर हो तो वो भी चलेगा, और थोड़ा सा मैंने पाव भाजी मसाला इसमें डाला है। आप चाहें तो उसकी जगह गरम मसाला या कोई भी और चीज़ डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो। वहीं जो दोस्तों मैंने तैयार करा था पेस्ट कॉर्नफ्लावर का सॉसेज के साथ, इसे धीरे धीरे करके डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे। अब दोस्तों अगर आप ड्राई मंचूरियन बना रहे हो तो यहीं पर मैटर ख़त्म, इसमें मंचूरियंस को डालें, और ये लगभग आपके ड्राई मंचूरियंस जैसे ही हल्का पक जाएगा ये तैयार हो जाएगी। लेकिन अगर आप ग्रेवी वाले बना रहे हैं तो इसमें अभी पानी और जाएगा। ये देखिए ड्राई मंचूरियंस तो लगभग हमारे तैयार हो चुके हैं, ये अभी हल्का सा और भी ड्राई कर सकते थे, लेकिन हमने ग्रेवी रखनी थी इसलिए हम ग्रेवी ही बना रहे हैं, तो उसी स्टाइल से बनाया है। अब इसमें दोस्तों मैं मंचूरियंस और पानी, जो भी आपको पास और मंचूरियंस हो तो वो ऐड कर लीजिए, या पानी। तो मैं ग्रेवी वाले बना रहा था तो ये बढ़िया पोहे वाले मंचूरियन बन के तैयार हो गए। मेरे पास जितने भी मंचूरियन थे मैंने सारे ऐड कर दिए हैं अब। और ये देखिए दोस्तों, इसको अच्छा सा बॉयल दिला दीजिए, क्योंकि कॉर्नफ्लावर की वजह से ये गाढ़ी हो जाएगी, थोड़ी सी जेली टाइप हो जाएगी ग्रेवी। और बस गैस को कर दिया है दोस्तों झटपट बंद कर देते हैं बंद, और ऊपर से स्प्रिंकल कर देते हैं स्प्रिंग ऑनियन, धनिया, कुछ भी आपके पास अवेलेबल हो, ग्रीन चिलीज। बस इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए, और इसे आप सर्व करते हैं और गार्निश करते हैं। बहुत ही बढ़िया पोहे की ये यूनिक रेसिपी मंचूरियन बन के घर पर तैयार हो गए हैं आसान तरीके से, और ये खाने में इतने यमिलीशियस हैं, एक बार खाएंगे आपको बार बार इन्हें बनाने का मन करेगा। तो कैसे लगे दोस्तों आपको पोहे के ज़बरदस्त मंचूरियन, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा।